नमस्कार और आदाब। आज शनिचर जून की 13 तारीख, पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। कोविड ने दिन बाद रेखलन ये बढ़ा दिया गया है, फशखरब किया गया है इसी हफ्ता में। लोगों के आना जाना पर और ज़्यादा पाबंदी लगाया गया है। सोमवार जून के 8 तारीख से 2 हफ्ते के लिए ये फशखरब तमाद रेखलन है। दुकानों जो है, दुकानदार जो है अपना दुकान खोल सकते हैं सुबह में 7 से दिन में 2 बजे तक। बुध और एतवार को छोड़कर मैत सौंदरिंग फन बुनस्ताख एन सौंदा सिर्फ ज़रूरी काम के लिए लोग बाहर जा सकते हैं, सड़क पर जा सकते हैं। ये सब बातें दानियाल फेरा डायरेक्टर फेलखेत का नेशनल फेलखेत का ये कोविड मैनेजमेंट टीम के प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर शनिचर को और एतवार को इतला किए हैं। सिर्फ अगर आपको डॉक्टर जाना है, पोली क्लिनिक जाना है, पॉलिसी पोस्ट आपको जाना है, अपोतेक अस्पताल में आपको शायद जाना है, या स्पुत ए सुंदहल PCS सिखियाट्री सेंट्रम सुरीनाम या मोर्दा खाना मोर्तुवारियम अगर आपको जाना है, तो इन चीज़ों के लिए आपको इजाज़त के ज़रूरी नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन सवाल करने पर आपको पुलिस को बताना पड़ेगा कि कहां पर आप जा सकते आप जा रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि एक घर से एक व्यक्ति को इजाज़त है दुकान जाने के लिए, ख़रीदारी करने को सुपरमार्केट में या दूसरा जो काम है आपको निपटा कर जितना जल्द हो सके घर आपको वापस आना है। जो शख्स एक घर से बाहर जाएगा ख़रीदारी करने के लिए, उनका उम्र कम से कम 16 साल होना चाहिए। यह भी आपको पता होना चाहिए कि रोज़ाना दुकान नहीं आप नहीं जा सकते हैं, रोज़ाना आप दुकान नहीं जा सकते हैं। हफ्ता में एक दिन आपको मौका मिलेगा जाकर ख़रीदारी करने के लिए, सभी बोट्स खापन के लिए आपको इजाज़त मिलेगा। जिन लोगों का फैमिली नाम शुरू होता है लेटर्स आ बी सी डी और ए से, इन लोगों को इजाज़त है सोमवार को दुकान जाने के लिए और जाकर अपना सभी ख़रीदारी करने को, अपना सभी काम निपटाने के लिए। और ये हो सकता है सुबह में 7 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक। तो एक बार फिर, सोमवार को जिन लोगों का फैमिली नाम शुरू होता है आ बी सी डी और ए से, मंगल को जिन लोगों का फैमिली नाम शुरू होता है एफ खे हा ई और ये से, बुध को कोई भी दुकान नहीं जा सकता क्योंकि सभी दुकान बंद रहेगा। बीफे को जिन लोगों का फैमिली नाम शुरू होता है का एल एम एन और ओ से, सुख को जिन लोगों का नाम शुरू होता है पी क्यू एर और एस से, और शनिचर को वो लोग जा सकते हैं ख़रीदारी करने के लिए दुकान जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं शनिचर को, जिन लोगों का फैमिली नाम शुरू होता है ते यू फे वे एक्स ए और सेट से। और एतवार को फिर सभी दुकान बंद रहेगा, हर एक को घर पर रहना चाहिए। आपको पता है, यह भी बताया गया कि एसेंशियल दिनस्तन जो लोग सौरख सेक्टर में काम करते हैं और फैल खैज दिनस्तन इत्यादि मीडिया हाउसन जो है, इन लोगों को डिस्पेंसरी है। अगर ये सब अपना बैच दिखाएंगे तो इन लोगों को ज़रूर इजाज़त है अपना काम के लिए, ये सब सड़क पर आ सकते हैं, अपना काम आ और जा सकते हैं। जो लोग सड़क पर जाएंगे, आपके पास एक खल्द लेगीतिमासी बवैस होना ज़रूरी है। अगर पूछताछ करने पर पुलिस अगर आपसे सवाल करेगा अपने आप को लेगीतिमेर करने के लिए, तो आपको दिखाना चाहिए। और मुमकिन है कि आपका जो लेटर आपको हम दिए हैं सोमवार को, आपको इजाज़त है दुकान जाने के लिए और बीफे को आप सड़क पर दिखाई दी और आपका बारी नहीं है दुकान जाने के लिए, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इस पर ज़रूर आपको गौर करना है। और एक बात और फरप्लेख्त है, एक मंथ एंड नोइस बेडेकिंग, एक मंथ और नोइस बेडेकिंग ये फरप्लेख्त है जब सड़क पर आप जाएंगे। सुरीनाम देश में अभी तक कोड रोड है, ये कोविड के वेबसाइट से भी आपको पता चलेगा। मतलब ये है कि अभी तक बहुत ज़्यादा ख़तरा है ये कोरोना वायरस या वायरस से। अफसोस के बात यह है कि इस हफ्ता कोविड दो द ये भी पता चल गया है। इस हफ्ता में एक स्त्री का देहांत हुआ है कोविड 19 से। ये इंटेंसिव केयर ऑफ डेली रेगियोनल सिकंदर वानिका में इनको लोग वहाँ पर इलाज के वास्ते रखे थे शुरुआत से। पहला दिन से जब वहाँ पर लोग इनको अंदर किए हैं तब से इनका हालात ठीक नहीं था, और अफसोस है कि इसके देहांत हो गया है।
वैसे हम आपको ये बता दें कि प्रेसिडेंट देसी बाउदर्श ये स्त्री जो इनके देहांत होने पर टेलीविजन पर आए थे एक वीडियो बोत्सखाप में परिवार को और सुरीनाम देश के पूरा जनता को अपना शोक संवेदना प्रस्तुत करने के लिए। ये स्त्री के देहांत होने के बाद फॉलक्स खजून थे जो है ये कहे हैं एक खबर में कि जो लोग ज़्यादा उम्र के लोग हैं औद्रन जिन लोगों के पास खरोनी से सिकतन है जैसे हो ब्लड ड्रग डायबिटीज कैंकर लॉन्ग प्रॉब्लम सांस लेने में जिनको दिक्कत है आप लोग और ज़्यादातर पर ये COVID-19 के शिकार हो सकते हैं क्योंकि आप एक रिसिको खबीत में आप आती है मतलब आप और ज़्यादा आपको ये फ्यूरस हो सकता है आप इसका शिकार हो सकते हैं। ये अफसोस के खबर बीफे को भी आई है कि NCCR का कोऑर्डिनेटर जेरी स्लेनखार ये भी पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं इनको भी ये कोरोना फ्यूरस है। COVID-19 के प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर सुख के शाम को तीसरा शख्स लोग ये जानकारी दिए हैं कि तीसरा शख्स सुरीनाम देश में जिसके देहांत कोरोना वायरस ये COVID-19 से हो गया है और ये एक आदमी एक मर्द है और इसका देहांत इनके घर पर हुआ है। ये इनके देहांत होने के बाद जब खोजबीन हुआ है तो ये पता चला है खोजबीन से कि इनको भी ये सिम्टोम था लेकिन ये इलाज के वास्ते नहीं गए थे घर पर इनके देहांत हुआ है और बाद में जब ये पता चला है कि COVID-19 से इनका देहांत हुआ है तो इनके करीबी लोगों को लोग क्वारंटाइन में रखे हैं। ये भी बहुत अफसोस की बात है कि दर्द ये COVID-19 दौड़ सुरीनाम देश में हो गए हैं और वैसे आपको पता है कि टेलर जो है बसमेटिंगन का एक्टिव केसेस जो है ये दिन पे दिन बढ़ता जाता है इसका मतलब ये है कि यह वायरस जो है सुरीनाम देश में दिन पे दिन फैलता जाता है। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर COVID-19 के प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर होफ्त इंस्पेक्टर हम्फ्री नार्दन ने बताया है कि जिन लोगों का रई बवेस और कोरिंग्स बवेस ये लॉकडाउन के समय फरफाल हुआ है उन लोगों को बकोरिंग पर कंट्रोल पर उन लोगों को बकोरिंग नहीं मिलेगा कंट्रोल पर बकोरिंग नहीं मिलेगा आपको बूट नहीं मिलेगा लेकिन अगर पता ये चलेगा कि लॉकडाउन से पहले आपका रई बवेस या कोरिंग्स बवेस फरफाल था और आप नहीं गए फरलेंगिंग के वास्ते तो इसके लिए आपको बूट भरना पड़ेगा आपको एक बकोरिंग मिलेगा तो इस पर ज़रूर आपको गौर करना है। लेकिन लॉकडाउन के समय अगर आपका रई बवेस फरफाल हुआ है या आपका कोरिंग्स बवेस तो आप ये फरफाल रई बवेस या कोरिंग्स बवेस के साथ आप यातायात में हिस्सा ले सकते हैं फरकेर में आप हिस्सा ले सकते हैं। सुशारा सागन का डायरेक्टर सलमो ये कहे हैं कि आखमीन के अंदर 22 लाख जो लोगों को भरा जाता था ये फिर से लोग शुरुआत किए हैं भरने के लिए इस वक्त लोगों को पैसा भरा जाता है या आखमीन के अंदर 22 लाख AOF आखमीन औदेदाक्स फोरशीलिंग्स फोन्स की तरफ से जो लोग पैसा पाते हैं उन लोगों का पैसा पूरी तौर पर भरा गया है हर एक को AOF का पैसा मिल चुका है और जिन लोगों को 1500 तखमुत कोमिंग मिलता है मतलब जिन लोगों को मदद मिलता है 1500 SRD का जो लोग अपना नाम रजिस्टर करवाए हैं इन लोगों को कोविड के वजह से ये आमदनी नहीं है काम नहीं है तो इन लोगों को सरकार मदद करते हैं ये पैसा भी लोग शुरुआत कर दिए हैं फिर से लोगों को भरने के वास्ते। ये जो तरीका है लोग अपनाए हैं कैसे लोगों को भरा जाता है ये वही तरीका है अल्फाबेटी से फलक ऑर्डर से जाते हैं आपके नाम के मुताबिक मतलब फैमिली नाम के पहला अक्षर से जैसे सोमवार को आ से लेकर लेटर ए तक लोगों को मौका है दुकान जाने के लिए ऐसे भी सोमवार को मतलब ये है कि लोगों को पैसा भरा जाएगा सुशाल साकन के तरफ से। और जो COVID-19 पकेतन लोगों को दिया जाता है ये भी चालू हो गया है इस वक्त जोर तोर से लोग यह पकेतन लोगों को बांट रहे हैं। ऑनदरवाइज की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ ऑनदरवाइज की तरफ से डायरेक्टर बेनानॉन नताशा बेनानॉन ये कहे हैं कि अभी ये फाइनल नहीं है लेकिन मुमकिन है कि यह स्कूल बरस जो है ये वक्त से पहले ख़त्म किया जाएगा।
जो ख़रूत फकानसी है अगस्त महीना में, जो फकानसी छुट्टी का दिन रहता है, ये फरफरुख्त होगा, ये वक्त से पहले आएगा। और इसका मतलब ये भी होगा कि 1 अक्टूबर को नहीं लेकिन 1 अक्टूबर से पहले स्कूल फिर लोग शुरुआत करने वाले हैं। इस वक्त कोविड के वजह से स्कूल नहीं लगता है, पढ़ाई जारी नहीं हो सकता है, तो इसलिए लोग मुमकिन आने वाले दिनों में फैसला लेगा फरफरुख्त वकानसीज रखने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि स्कूल भी वक्त से पहले शुरू होगा। और इस मामले के बारे में ऑफिशियल खबर आने वाले दिनों में ऑन द वेज की तरफ से मिलेगा, क्योंकि इस पर लोग अभी तक बातचीत कर रहे हैं। फरकी सिंह के बारे में मैं आपको ये बता दें कि फरकी सिंह प्रोसेस जो है होप स्टैम्प ब्यूरो परामारीबो के तरफ से किस डिस्ट्रिक्ट परामारीबो में ये इस हफ्ता ख़त्म हो गया है, सभी काम ख़त्म हो गया है। NDP पॉलिटिकल पार्टी जो है ये हेयर स्टेमिंग का मांग किए थे 3 स्टैम्प ब्यूरोज़ पर, RR-NIFO पर। इस पर ये कहा गया था कि जो गलत स्टैम्प विलियतन ये स्टैम्प ब्यूरोज़ पर लोगों को मिला था वोट करने के लिए, इसी वजह से यह मांग किया गया था। लेकिन इस पर अभी फैसला नहीं सुनाया गया था, इस पर अब कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा, स्टैम्प ब्यूरो की तरफ से यह कहा गया है ऐसा नहीं होगा। तो अब इंतज़ार है ओ का बी का, ये फरकी सिंह आउटसला जो है बिंदन फरकलार करने के वास्ते, जो किसी भी वक्त हो सकता है। NDP नहीं लेकिन देना जो है पंचकर, ये इन लोगों को इजाज़त नहीं है 5 साल से ज़्यादा वहाँ पर उस पदवी पर बैठने के लिए। यह रखेर पीरियोड जो है जो देना ठहराया गया है, ये नेखनन त्विंत यूनी जून के 29 तारीख इसी महीना में इन लोगों के आखिरी दिन है। तो इसी दिन तक ये जो नया पंचघर का नेता है, सभी नया असम्बली लेदन जो चुना गया है इस फिरकी सिंह में, इन लोगों का बेद है, इन लोगों का तुलातिंग होना चाहिए, इसका तैयारियां शुरू हो गया है। और ये पता चला है कि ये सभा लगाया जाएगा, फरखादरिंग रहेगा 29 तारीख जून को, और जून के 29 तारीख को भी तुलातिंग होगा सभी निव लेदन नया लेदन का, और ये सब भी कोविड 19 के मातरेखलन पर गौर करते हुए। ये जो तुलातिंग है और फरखादरिंग जो रहेगा ये DNA के खबाओं में होगा। बेदहिंग और तुलातिंग के बाद फोशितर और फोशितर जो है चुना जाएगा। और ये आपको पता है कि जो लेदन का तुलातिंग होगा, नया लेदन जो नियुक्त होगा पंचघर के वास्ते, इसके लिए ये कानूनन तय है कि औत्सल्य इन लेफ्ट जो चुना हुआ मेंबर है जिसका उम्र सबसे ऊंचा है, सबसे ज़्यादा उम्र का जो है, ये फुंखेरन फोर्शेतर रहेगा सभी लेदन के बेदहिंग तुलातिंग के वास्ते। और उसके बाद एक फोर्शेतर और फिर फोर्शेतर पार्लियामेंट का चुना जाएगा। इसी सिलसिले में पॉलिटिकल पार्टी BEP जो है ये सब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंसी लगाए हैं, और ये सब कहे हैं कि नया सरकार चुनने में ये सब अपना मदद देने वाले हैं, और ये है प्रेसिडेंट और फिस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए पंचघर में। आपको पता है कि इसके लिए पंचघर में अगर प्रेसिडेंट और फिस प्रेसिडेंट आप चुनना चाहते हैं, लोग वहाँ पर चुनना चाहते हैं, तो इसके लिए 34 फीरंदर तक वोट के ज़रूरत है। और इस वक्त जो लोग जो पॉलिटिकल पार्टियों सरकार बनाना चाहते हैं, FEHAPE, ABOP, NPS और PL, इन लोगों को FEHAPE को 20, ABOP को 8, NPS को 3 और PL को 2 सीट्स है। ये कुल मिलाकर DRIANDER तक 33 सीटल्स है। इसका मतलब ये है कि DRIANDER तक सीटल्स के साथ पंचघर में एक प्रेसिडेंट और फिस प्रेसिडेंट लोग नहीं चुन पाएंगे। तो इसी सिलसिले में BEP कल प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर कहा है, BEP जिनको 2 सीटल्स है ये सब कहे है कि ये सब मदद करने वाले हैं प्रेसिडेंट और फिस प्रेसिडेंट को पंचघर में चुनने के लिए। अगर BEP के 2 सीटल्स आएगा मतलब 2 वोट आएगा, तो ये सब FEHAPE स्टेमन के साथ ये प्रेसिडेंट और फिस प्रेसिडेंट को पंचघर में चुन सकते हैं। और इसके लिए FEHAPE फरेनहद फॉलक्स फरखादरिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी समय भी लगेगा और इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च होगा।
और बेब ऐसा नहीं चाहते हैं। बेब कहते हैं कि इस वक्त सुरीनाम देश में और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जैसे कोविड, दिन पे दिन ये बीमारी, ये वायरस फैलता जाता है और लोगों का देहांत होता है, तो बेब ये भी चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके नया सरकार बैठे और ये सब अपना काम जारी करे। ये आपको हम बता दें कि आने वाले मंगल को ये खबर आई है कि आने वाले मंगल जो उनके 16 तारीख सेंट्रल होफ्स्टेम्बिरो एक ओपन बार स्थितिंग में अर्चला फरकी सिंह का तय करेगा और ये साना बुदाया में होगा जो योसेफ इसराइल स्त्रात में है सुबह में 10 बजे। तो ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।